और इधर ही है अपने रोड चल रही है, उधर जो आदमी चल रहे हैं ना उस किले पे वहां तक है जो अपनी जमीन का दायरा है। काट रहा था दराते के सामने ना, अंगूठा आ गया और अंगूठा कट गया इधर से। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज का सीन ये है कि आज मैं दिखाऊंगा आपको अपना खेत। पिछली वीडियो के अंदर जो आपने देखा था खेत वो मेरे मामा जी का था, और आज है जो मैं अपना खेत दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, तो आज है जो मैं अपने खेत में आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपना खेत दिखा दिया जाए। सबसे पहले जो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रूम बना हुआ है और रूम के पास में जस्ट ये अपने बालाजी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और इधर ही पास में बिल्कुल पास में यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, और इधर आप देखेंगे ना तो इधर अपने गन्ने बो रखे हैं, इधर ये देखो, और इधर ये आम का पेड़ है, और इधर भी गन्ने और उधर भी आम का पेड़ लगा हुआ है, और इधर पास के अंदर ये, और इधर ये पास में जो है केले के पौधे लगे हुए हैं, और इधर भी जो गन्ने लगा रखे अपने, और इधर ये गेहूँ बो रखा है। और इधर देखेंगे कमरे के इस साइड में, तो इधर भी पूरा का पूरा गेहूं लगा रखा, और इधर ये ट्रांसमीटर है जो इससे अपने ट्यूबवेल है, जो ट्यूबवेल जो चलता है, और कमरे के जस्ट पास के अंदर ये पूरा रास्ते तक है जो अपना खेत, इसके अंदर पूरे के पूरे के अंदर जो अपना गेहूं लगा रखा है। यहाँ पर बो रखा है हमने लहसुन, और यहाँ पर बो रखी है हमने गाजर, और इधर बो रखा है अपने पशुओं के लिए हरा चारा, और ये है अपना पूरा खेत। तो अभी मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने मिलकर और यहाँ से जो इतनी सारी गाजर उखाड़ लिया, और हाथ भी पूरे मिट्टी के हो गए। और इधर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, जो मिट्टी की मेड़ होती है ना उसके ऊपर भी हमने जो मूली और शलजम इधर लगा रखे हैं, और उस साइड में हमने लगा रखे हैं वो चुकंदर, और इस साइड के अंदर हमने जो चुकंदर लगा रखे हैं ये देखो, और ये इधर से रास्ता जा रहा है और वहाँ तक है ना पूरा वो उस कमरे तक अपना है जो खेत है, और उधर उस जो पानी का जो होता है ना खला बोलते हैं उसको, वो भी वहाँ पे है। ये लहसुन जब पक जाएंगे तो इनको भी उखाड़ लेंगे और फिर इनका भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो भाई ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, तो अभी इस साइड खड़े हैं और आपको मैं उस तरफ लेके चलता हूँ। तो ये देखो जो ये लाइन नजर आ रही है ना आपको इधर, और ऐसी लाइन बिल्कुल इधर भी है, तो इससे इधर इधर की साइड के अंदर है ना जो अपना खेत है पूरा का पूरा, और इधर ये अपने रोड चल रही है, और उधर जो आदमी चल रहे हैं ना उस किले पे वहां तक है जो अपनी जमीन का दायरा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि गेहूं और धान हम ज़्यादातर ये दो ही फसलों की रुपाई ज़्यादा करते हैं। अभी तो क्या गेहूं बो रखी है, और जब धान की रुपाई होगी ना तो आप देखना कि यहाँ पे है ना पूरा का पूरा जो खेत है ना पानी से भरा हुआ रहता है। और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा भी अपने खेत का, ये देखो। चारा काट रहा था दराती के सामने ना, अंगूठा आ गया और अंगूठा कट गया इधर से, खून बहुत निकला, अभी तो थोड़ा बहुत रुक गया है, कोई ना चलो काम को निपटाते रहो, मिलते हैं फिर आपको दोबारा। तो कैसा लगा आपको हमारा खेत, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी है बस नॉर्मल ही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।